फ्रेंड विंडोज 10 का एक्टिवेशन करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट में आपका विंडोज 10 का एक्टिवेशन कर पाओगे। लेकिन उसके पहले बताते हैं विंडोज 10 का एक्टिवेशन क्यों करना चाहिए। फ्रेंड ये जो विंडोज 10 है इसका बाद में दूसरा कोई वर्जन नहीं आने वाला है, मतलब जैसे पहले जैसे XP फिर विंडोज 7 विंडोज 8 विंडोज 10 आ गया, मतलब इसके बाद विंडोज 11 नहीं आएगा। वो लोग बोला था जो ये जो नेम है जैसे 7 10 8 ये बदलने का बजाय और जो अपडेट है फ्रेंड उसका जो अपग्रेडेशन है फ्रेंड वो बदलने का कोशिश करेगा, मतलब विंडोज 11 में जो आने वाला था विंडोज 10 में वही मिलने वाला है। तो आपको दोस्तों को ये विंडोज नहीं आने वाला है, इसमें आपका नया नया जो भी चीज है आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, इसमें मिल जाएगा, दोस्तों को विंडोज आने का संभावना नहीं है। तो अभी तक अगर आपके पास विंडोज 10 नहीं है तो विंडोज 10 आप इंस्टॉल कर लेना, आप क्योंकि अभी तक जिसका भी विंडोज आया है बाजार में सबसे बेस्ट है विंडोज 10 और इसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा, विंडोज ये अपग्रेड चलते ही रहेगा। तो मैं फ्रेंड अभी बताते आप कैसे बहुत ही आसानी से विंडोज 10 का एक्टिवेशन कर पाए। लेकिन उसका पहले अभी तक अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आपका विंडोज एक्टिव है कि नहीं वो देखने के लिए सिंपली कोई भी फोल्डर ओपन कर लेना, करने के बाद नीचे में जाके राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में क्लिक कर देना। तो फ्रेंड इधर में आप आसानी से देख पाओगे आपका विंडोज एक्टिव है कि नहीं, इधर में देख सकते फ्रेंड विंडोज इज नॉट एक्टिवेट। और ये कैसे एक्टिवेट करना पूरा अगर देखना चाहते तो एक्टिवेट विंडोज के ऊपर क्लिक कर देना सिंपली, इधर ही आप देख सकते हैं। इधर में क्लिक करने के बाद फ्रेंड पूरा का पूरा पेज आपका सामने शो करेगा, इधर में भी आप देख सकते हैं विंडोज इज नॉट एक्टिवेट। तो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मैं जैसे बताओ ऐसे करना, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद इधर में जाके सिंपली लिख देना फ्रेंड bit.ly.windows.txt टेक्स्ट लिख के फ्रेंड इधर में सर्च कर देना। सर्च करने के बाद कुछ तरह आपका सामने कुछ इस तरह आ जाएगा विंडोज एक्टिवेट, तो अभी क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड इधर में लिंक आपको मिलेगा, ये पूरा के पूरा कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इधर से आप आपका जो नोट पैड है फ्रेंड उस ओपन कर लेना। फिर इधर पेस्ट कर लेना तो आ गया आपका। तो इधर भी फ्रेंड सिंपली फाइल में जाना, जाके सेव एज पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड इधर में एक बात ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विंडोज 10 .cmd लिख के फिर सेव कर लेना। इधर में डेस्कटॉप क्लिक कर लेना तो आपका भी आसान होगा, इस सेव पर क्लिक कर लेना। तो इधर में फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक बन के आ गया है, तो मैं इधर में रन एडमिनिस्ट्रेटर करना और यहाँ पे यस कर देना। थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमेशा ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड आपका नेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए, मतलब नेट कनेक्शन रहना चाहिए तभी जाके काम करेगा, ना तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद फ्रेंड ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं जब अपडेट हो जाएगा तो आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगा हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक्टिवेशन हो चुका है, पहले जैसे बता रहे थे नॉट एक्टिवेशन तो अभी एक्टिव बता रहा है। और इधर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सेंस एरर एक्टिवेशन की बता रहा है, मतलब हो चुका है। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।